गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ रूल। काइंड्स ऑफ रूल बेसिकली जो है रूट्स दो टाइप के होती हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स। नंबर वन इज टैप एंड नंबर सेकंड इज फाइब्रस रूल। नंबर सेकंड इज फाइब्रस रूट। इफ यू टॉक अबाउट टैप रूट, ओके, ऐसे रूट जो कि प्ल्यूम ये रेडिकल्स डेवलप होती है, राइट। द रूट दोज आर डेवलप्ड फ्रॉम radicals. The roots, those are developed from radicals. The roots are known as tap root. Right? ऐसे roots जो कि radicals से develop होती हैं, the roots are known as tap roots. Basically इतने भी जो है dicots होते हैं, सारे के सारे dicots के कौन सी roots पाई जाती है? Tap root पाई जाती है। If you talk about examples, dicot, alright, ऐसे plants जिनके अंदर दो पोटेटिन पाए जाते हैं, those are known as dicots. तो dicots के अंदर जो है basically कौन सी root देखने को मिलती है? अपन को taproot देखने को मिलती है। Just like if you talk about taproot जो है थोड़ी critical होती है, like how complex होती है। इसके अंदर क्या होता है कि पहले एक जो है बीच में से एक main root जाती है, that is known as primary root. प्राइमरी रूट से फिर जो है सेकेंडरी रूट निकलती है, राइट। सेकेंडरी से फिर टर्शियरी रूट निकलती है, लाइक दिस। और फिर टर्शियरी रूट से फिर जो है टर्शियरी रूट्स आर सराउंडेड बाय रूट हेयर्स, सो दैट इज टैप रूट। इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, दैट इज प्राइमरी। This is secondary. And that one is tertiary. यहाँ पे क्या है root hairs? देखो टैप रूट्स के अंदर अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी रूट जो है प्राइमरी रूट है, कौन सी रूट सेकेंडरी रूट है, कौन सी रूट टर्शियरी रूट है, ऑलराइट। ये सारा का सारा अपन इजीली जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं डायकोट्स के अंदर। जैसे कि वी टॉक अबाउट मस्टर्ड, इसके अलावा ग्रैम, इन सब के अंदर जो है टैप रूट पाई जाती है। टैप रूट थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती है एंड दे डेवलप फ्रॉम रेडिकल्स, जो कि डेवलप होती है रेडिकल से डेवलप होती है। इसके बाद में सेकेंड काइंड जो रखा है दैट इज फाइब्रस रूट, राइट। सेकेंड काइंड लिखते हैं फाइब्रस रूट। द रूट दोज आर नॉट डेवलप्ड फ्रॉम रेडिकल एंड developed from base of stem. Are known as fibrous root. Roots को हम क्या बोलते हैं? Fibrous roots बोलते हैं। What are fibrous roots? The roots, those are not developed from radicals and developed from base of stem are known as fibrous roots. Examples आपको पता ही है, ऐसे examples हैं monocots. It means the plants though are bearing one cotyledon, जिनके अंदर केवल एक ही cotyledon पाया जाता है, those are known as monocots. और सारे सारे monocots में कौन सी root देखने की मिलती है?
फाइबरस रूट देखने को मिलती है. जैसे इफ यू टॉक अबाउट वीट, वीट में जो है जैसे ग्रुप ऑफ रूट पाया जाता है जिसके अंदर वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई लाइक विच वन इज प्राइमरी रूट विच वन इज सेकेंडरी रूट एंड ऑल राइट. जिसके अंदर जो है अपन पता ही नहीं लगता है कि प्राइमरी रूट कौन सी है, सेकेंडरी रूट कौन सी है, टर्शियरी रूट कौन सी है. और ये सारी साइड रूट जो है किसी रेडिकल से डेवलप नहीं हुई है. दीज आर नॉट डेवलप्ड फ्रॉम एनी रेडिकल, दीज आर डेवलप्ड फ्रॉम द स्टेम, बेस ऑफ स्टेम. जो स्टेम होता है उसके बेस से डेवलप होती है ये, राइट. दैट इज द फाइब्रस रूट. राइट, arise from base of stem. देखो डायपोड्स के अंदर टैप रूट्स पाई जाती है. टैप रूट्स जो है रिजिड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, राइट. जबकि फाइब्रस रूट्स जो है मोनोपोड्स में पाई जाती है. ये इनके अंदर कोई रिजिडिटी या स्ट्रॉन्गनेस ऐसा कुछ पाया नहीं जाता इनके अंदर. इसी के चलते जो है मोनोपोड प्लांट्स जो है वो बहुत ही वीक होते हैं. तेज अगर बारिश आ गई है या फिर और भी कोई नेचुरल कामिटी है, इनकी टूट कर गिरने या फिर रूट के उखड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. ऐसा कोई भी फिनोमिना जो है फाइबर टैप रूट के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं. टैप रूट के अंदर जो प्राइमरी रूट है वो कंटिन्यूसली सोइल को पेनिट्रेट करती रहती है, सोइल के अंदर जाती रहती है. और प्राइमरी रूट से फिर सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स जो है कंटिन्यूसली अराइज होती रहती हैं. और राइट, टर्शियरी रूट से फिर आगे फर्दर जो है बंच ऑफ रूट्स जो है उनके ऊपर रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं. फाइबरस रूट के अंदर जो है ऐसा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ऐसा कुछ पाया नहीं जाता है, बहुत वीक होती हैं. ग्रुप के अंदर ये पाई जाती है. अगर थोड़ी सी आप हल्का सा जो है पुल करोगे ऑटोमेटिकली जो है प्लांट उभड़ कर आ जाएगा. बट दैट फिनोमिना डजंट हैपन इन द टैप रूट्स. टैप रूट्स के साथ में ऐसा नहीं होता है. सो दैट इज ऑल अबाउट द काइंड्स ऑफ रूट्स. ये रूट्स के काइंड्स के बारे में है. बेसिकली रूट्स दो प्रकार की होती है, टैप रूट्स एंड फाइबरस रूट्स. बेसिकली रूट्स जो है रेडिकल से अराइज होती है. रेडिकल इज अ पार्ट ऑफ सीड, दैट इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ द सीड, राइट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.